सहारनपुर के विकासखंड मुजफ्फराबाद के ग्राम भटपुरा में 8 महीने पहले खंडवा निर्माण को पूरा दिखाकर लाखों रुपए निकाले गए। वहीं मंत्री का सहायक का कहना था कि ग्राम प्रधान पति इजहार को निर्माण के लिए दर्जनों बार कहा जा चुका है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि प्रधान पति ने खड़ंची के निर्माण के स्थान पर विवाद होना बताकर पल्ला झाड़ने के प्रयास किए थे। खबर हमीरपुर के राठ कोतवाली इलाके से, जहां मलोहा रोड के रहने वाले 16 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक शादी समारोह में बासी खाना खाने और दूषित पानी पीने की वजह से लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। वहीं सभी लोगों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। लोकसभा चुनाव के इस महासमर में समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरीके से पीटीए को लेकर आगे बढ़ रही है, ठीक उसी तरह सपा सुप्रीमो ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। पीटीए को साधने के लिए सपा ने श्याम लाल पाल को प्रदेश का पार्टी अध्यक्ष बनाया। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। 2024 का बिगुल बज चुका है और इसमें मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में हूं और समाजवादी पार्टी ने इस बार प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है और हमारे साथ श्याम लाल पाल जी मौजूद हैं और यहां पर नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो किस तरीके से इस अपने पद का निर्वहन करेंगे, किस तरीके से समाजवादी पार्टी को आगे ले जाएंगे, मैं उनसे बात करूंगा। सर, किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाएंगे, किस तरह की विचारधारा होगी? पार्टी आगे विचारधारा के आधार पर जाएगी और समाजवादी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा और डॉक्टर लोहिया जी की विचारधारा पर आधारित है। देश के शोषितों वंचितों के लिए काम माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने किया है, उसी रास्ते पर चल करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव इस देश के मजलूमों के लिए, इस देश के कमजोर वर्गों के लिए, जो निश्चित रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके उत्थान और तरक्की के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरी के लिए वो चिंतित है। इसलिए उसी विचारधारा के आधार पर हम लोग गाँव में जा रहे हैं, बूथों पर जा रहे हैं और वो विचारधारा गाँव के उन गरीब लोगों की आवाज ये बोल रही है कि अब इस देश से भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी। अध्यक्ष जी, आप बैकवर्ड से समाज से हैं और पाल बिरादरी से हैं, तो क्या इस बार चुनाव में पाल बिरादरी और बैकवर्ड को लेकर आप किस तरीके से उनको मतदान में तब्दील कर पाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ? समाजवादी पार्टी में पूरा पिछड़ा वर्ग तब्दील हो चुका है, दलित वर्ग तब्दील हो चुका है, माइनॉरिटीज हमारे साथ रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारेंगे। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 80 की 80 सीटें भाजपा जीत रही है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है? देखिए, जनता नफरत की बात को समझ चुकी है, अब वो नफरत में नहीं खेलना चाहती है, हिंदू मुसलमान में नहीं जाना चाहती है, भाई भाई में लड़ाने वाले काम में नहीं जाना चाहती है, उनके झांसे में अब नहीं आएगी। अब परेशान है वो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने सम्मान के लिए, कपड़ा मकान के लिए, पढ़ाई लिखाई के परेशान है। अब उसका मुख भारतीय संविधान की तरफ गया है, भारतीय संविधान खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ओबीसी एससी और एसटी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। अब उसकी रक्षा के लिए पूरा पिछड़ा वर्ग, पूरा दलित वर्ग, माइनॉरिटीज एक होकर के इंडिया गठबंधन को जिताने जा रहा है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से दो फेज का चुनाव हो चुका है, दोनों फेजों में वोटिंग प्रतिशत बहुत ही कम रहा और तीसरे फेज का चुनाव कल होने वाला है, तो क्या लगता है कि तीसरे फेज के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? सबसे बड़ी चीज ये है कि, और दूसरी चीज ये है कि इस बार तीसरे फेज के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के परिवार से 4 सीटें लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी। इनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन 350 सीटें जीतने में कामयाब होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।